कच्छ में आदमखोर भेड़िये का आतंक अभी भी जारी है। शिकार की तलाश में भटक रहा लंगड़ा भेड़िया जगह जगह हमला कर रहा है। बीती रात भी आदमखोर ने एक लड़के को घायल कर दिया। लगातार हो रहे अटैक के बाद महसी तहसील में दहशत फैल गई है। वहीं अब चंदौली और झांसी में भी जंगली जानवरों की दस्तक से लोग दहशत में है। इस रिपोर्ट को देखें। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़िये का आतंक। बहराइच में पांच भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। छठा भेड़िया खूंखार होकर लगातार हमले कर रहा है। वन विभाग की टीम और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भेड़िये को पकड़ने की कोशिश में जुटे हैं, पर भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा। रविवार रात को भी भेड़िये ने 13 साल के लड़के पर हमला किया, जिसमें वो घायल हो गया। बताया जा रहा था कि लड़का बीती रात घर की छत पर सो रहा था, तभी भेड़िये ने उसकी गर्दन दबोच ली। चीख पुकार मचते ही आदमखोर भाग खड़ा हुआ। लड़के की गर्दन, चेहरे पर चोट के निशान हैं। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई। पूरा मामला महसी इलाके के पिपरी मोहन गांव का है और ये वही घर है जहां पर बीती रात भेड़िये ने हमला किया था। दरअसल इमरान रात में इसी खाट पर सो रहा था और हालांकि परिवार के जो लोग हैं वो भी यहां पर आसपास मौजूद थे, लेकिन जैसा कि अक्सर देखा गया है कि रात के अंधेरे में चुपचाप भेड़िया आता है और बच्चों को अपना निशाना बनाता है। आप ब्लड के स्पॉट भी देख सकते हैं। जब बच्चे के ऊपर हमला किया, चूंकि जो घाव के जख्म हैं वो बच्चे की गर्दन पर हैं। हालांकि बच्चे को इस वक्त बहराइच के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है, लेकिन परिवार के जो लोग हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उस समय उस बच्चे के साथ इस छत पर सो रहे थे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप पिताजी हैं इमरान? बाबा। अच्छा, बाबा हैं। तो कितने बजे की ये घटना है? ये 2:30 बजे की घटना, 2:30 बजे रात की। तो इमरान अकेले था या फिर और भी? उसके पास में उसकी खुद भौजी लेटी थी। हाँ। एक बच्चे को लिए। अच्छा। उसके बगल एक बच्ची और लेटी थी। यहाँ 4 लोग लेटे थे, उसके ऊंचे 2 लोग और लेटे थे। उस जीने से वो भेड़िया आता है और इसी खट पे वो लेटा था, यहीं पर हमला किया। यहाँ से वहाँ तक घड़ियाल लेगा, जब वो किकियान तो ये लोग जाग पड़े। जब ये लोग थोड़ा खटिया से वो खींच लेगा, खटिया से खींच कर ले गया वहाँ तक। आवाज नहीं आई थी? आवाज उसकी कहाँ आई, जब गला पकड़े थे गर्दन पर तो आवाज नहीं, हल्का की तभी हुई आवाज। हाँ, तो जब हल्का की आवाज आई तो ये लोग चिल्लाने, और जब चिल्लाने तो वो छोड़कर उसी रास्ते से भाग गया। भग कर वो जब निकल गया तो सब लोग चिल्लाहट हुई, काफी लोग आए, यहाँ से वहाँ तक काफी लोग इकट्ठा हुए। सब लोग देखा ये खून के निशान, वो बेहोश हो गया था। उसी समय तुरंत एम्बुलेंस मंगा करके उसको लदा कर भेज दिया महसी, महसी से रेफर हो गए बहराइच। बहराइच में आदमखोर भेड़िये का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। पांचवे भेड़िये के पकड़े जाने के बाद अकेला बचा छठा भेड़िया लगातार महिलाओं और बच्चों पर हमला कर रहा है। रविवार की रात को भी इस भेड़िये ने छत पर सो रहे 13 साल के अरमान अली पर हमला कर दिया। हमले में अरमान घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य में प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया। हालांकि महसी और शिवपुर के 110 गांवों में वन विभाग, पुलिस, पीएससी के जवान और जिले के कर्मचारी रोस्टर वाइज गश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भेड़िये का हमला रुक नहीं रहा। महसी तहसील में पिछले 3 महीने में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। भेड़ियों के झुंड ने अब तक 9 बच्चों समेत 10 को अपना शिकार बनाया है, जबकि 50 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। 10 मार्च को मिश्रण पूर्वा निवासी सायरा की मौत। 3 मार्च को नया पूर्वा निवासी छोटू की जान ली। 17 जुलाई को मक्का पूर्वा निवासी अख्तर रजा की मौत। 27 जुलाई को नखवा निवासी प्रतिभा की मौत। 3 अगस्त को कोलेला निवासी किशन की मौत। 18 अगस्त को सिंगिया नसीरपुर निवासी संध्या की मौत। 22 अगस्त को भटौली गांव निवासी खुशबू की मौत। 25 अगस्त को कुमारनपुर वार निवासी रीता देवी की मौत। 26 अगस्त को दीवानपुरवा निवासी अयांश की मौत। 1 सितंबर को नववन गरेठी निवासी अंजलि की मौत। जहां से भेड़िया भगा हमला करने के बाद, आपको वो रास्ता दिखाना चाहता हूं। दरअसल ये खेतों का रास्ता है, आगे जंगल है, गन्ने के खेत हैं, मक्के के खेत हैं और ये धान के खेत हैं। चूंकि आमतौर पर देखा गया है जो भेड़िये के हमले का पैटर्न है कि भेड़िया उन्हीं घरों को अपना निशाना बनाता है जो गांव के आखिरी घर होते हैं या जिन घरों के बाहर खेत होते हैं, क्योंकि हमले के बाद छुपना आसान होता है, भागना आसान होता है। और एक बार फिर से वही पैटर्न यहां पर भी देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि जो सामने की छत है उसी छत पर वो बच्चा सो रहा था। आपको वो बच्चे ना आपको दिखाना चाहूंगा, चूंकि वन विभाग की टीम भी यहां पर पहुंची थी उस हमले के बाद। और जो फुटप्रिंट्स मिले हैं उसे ढक दिया गया है ईंटों से। आप देख सकते हैं कि कई ईंट यहां पर लगाई गई हैं। ये नीचे आप देखिए, ये जो पदचिन्ह है वो भेड़िये के पदचिन्ह बताए जा रहे हैं।
तकरीबन 5 से 6 जगह, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे पदचिन्ह आपको खेतों में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये पदचिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं जो भेड़िए के बताए जा रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि वन विभाग की जब टीम पहुंची थी तो इन पदचिन्हों को इन ईंटों से ढक दिया गया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए बकरी को बांधने के लिए लकड़ी की एक गुमटी यहां पर बनाई गई थी। जो यहाँ के लोग हैं, इस गांव के लोग, उन्होंने कहा, उनका ये कहना है कि जब रात में भेड़िया यहां पर पहुंचा था तो सबसे पहले उसने इस गुमटी को तोड़ने की कोशिश की। कुछ लोग हैं, ये बताइए कि आप लोग बता रहे हैं कि इस गुमटी को भी उसने तोड़ने की कोशिश रात में तोड़ा है, 2 पटरा यहाँ से ले जाके वहां पे रखा है। या इतने मजबूत होते हैं कि वो लकड़ी वकड़ी उखाड़ दें? हाँ, उखाड़ा, 2 पटरा वहाँ पे भी लेके गया है। और रात में अब क्या मालूम ऊपर से उतरा, इसके बाद शिकार किया कि पहले शिकार किया और यहाँ से लगा के वो रोड पर। इसमें क्या, इसमें इसके अंदर बकरी बंधी हुई? हाँ, बकरी रात में थी। हाँ, इसी में बंद होती है डेली बकरी। अच्छा। हाँ, जैसे हम लोग का घर कुरिया ज्यादा नहीं है तो रात में इसी में बंद कर दिया जाता है। और वहाँ से वो देखो तार दिख रहा है, यहाँ तक कोई सुविधा लाइट की भी नहीं है। हाँ, सब पूरा अंधेरा रहता है। तो देखिए ये जैसा कि गांव के लोग, अच्छा नाम क्या है आपका? जी, हमारा शरीफ। शरीफ हैं ये, इसी गांव के रहने वाले हैं पिपरी मोहन के। इनका ये कहना है कि भेड़िया जब इस गांव में पहुंचा तो सबसे पहले वो यहां पर बंधी बकरियों को अपना निशाना बनाना चाहा। हालांकि यहां पर चूंकि देखा जाए तो लकड़ी की एक गुमटी बनी हुई है और इसको तोड़ने की कोशिश की। गांव के लोगों का ये भी कहना है कि कुछ जो लकड़ी की पटरियां हैं उसने इन पटरियों को उखाड़ भी दिया, हालांकि चूंकि अंदर का जो दरवाजा था काफी मजबूत था वो तोड़ नहीं पाया। बाद में वो छत पर पहुंचता है और मीरान, जो 13 साल का बताया जा रहा है, जो सो रहा था उस वक्त, उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन जो घर की महिलाएं थीं वो भी इमरान के आसपास सो रही थीं। जब महिलाओं ने शोर मचाया और भेड़िए को पकड़ना चाहिए, भेड़िए के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, चूंकि आसपास काफी बड़ी आबादी है, लोगों ने काफी हल्ला किया, उसके बाद भेड़िया यहां से फरार हो गया। चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ गांव में बीती रात जंगली जानवर का झुंड गांव में घुसकर लगभग कुछ लोगों को घायल कर दिया और 2 बकरियों को भी अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद ग्रामीणों में कोहराम मच गया। आसपास के ग्रामीण जंगली जानवर के झुंड को मारने के लिए दौड़ लिए। ग्रामीणों ने एक जानवर को मारकर मौत की घाट उतार दिया। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जंगली जानवर को खोजने में जुट गई। बताया जा रहा है कि गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा के किनारे रहने वाले जानवर ग्रामीण क्षेत्र में भाग रहे हैं, जिसका नतीजा है कि जंगली जानवरों का झुंड लक्ष्मणगढ़ गांव में घुस गया और लोगों को निशाना बना दिया। घायलों का रात को ही उपचार कराया गया। इसके पहले ही चकिया क्षेत्र में जंगली जानवरों से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। वहीं अलीनगर थाना क्षेत्र में भी भेड़िए को देखने जैसी बात कही जा रही है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बाद अब झांसी में सियार की दस्तक से लोग परेशान हैं, जहां सियार ने एक किसान को हमला करके घायल कर दिया, जिसके बाद घर वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। ये पूरा मामला टोड़ी फतेहपुर थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि जब सियार ने किसान पर हमला किया था तब वो खेत में काम करने गया था, तभी सियार आया और पैर पकड़कर खींचने लगा। किसान के चिल्लाने पर सियार झाड़ियों की तरफ भाग गया। इससे 3 दिन पहले भी सियार 2 लोगों पर हमला कर चुका है। लगातार घटना होने से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और सियार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया। मनसुख कोरी कुगा पे, ये कहाँ पड़ता है? ये मनसुख के जंगल के पास पड़ता है। हम जा रहे हार है। हाँ हाँ। लज्जा निकलो। हाँ। फिर तो लगाई चढ़। हाँ। फिर तो नाक में चिपको। हाँ हाँ। ना छुटा उसे तो हाथ में चिपको। हाँ। हाथ में तो जगह हड्डी निकलेगा। हाथ दिखा जरा अपना, इधर भी काटा। हाँ। और ये नाक में भी काटा। नाक में काटो, इधर छुटा उसे हाथ में काट कर 2 जगह हड्डी निकलेगा। टोड़ी फतेहपुर के मोहल्ला खंदिया निवासी बीरन आर्य अपने खेत पर जा रहे थे। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे तभी अचानक सियार ने सीधा चेहरे पर हमला बोल दिया। हमले में किसान की नाक बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। किसान ने अपना बचाव करने के लिए हाथ चलाया तो सियार ने एक हाथ को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। किसान के शोर मचाने पर खेतों के आसपास रह रहे लोग दौड़ पड़े। लोगों को आता देख सियार जंगल की ओर भाग गया। इसकी सूचना SDM टहरौली को हुई तो उन्होंने तुरंत घायल किसान को CSC में भर्ती कराया। तहसील टहरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रनियारा, गाता और टोड़ी फतेहपुर में विगत दिनों कुछ घटनाएं जंगली जानवरों के हमले की प्राप्त हुई थी, जिस पर वन विभाग को निर्देशित करके पिंजरा लगवा दिया गया है और वन विभाग की टीम वहां कैंप कर रही है। जिन पर भी हमले हुए थे या जिनको चोट लगी थी उनको तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज करके उनकी चिकित्सा करा दी गई है।
और वन विभाग की टीम लगातार कैंप कर रही है और वहां पर स्थिति भी नियंत्रण में है। अभी फिलहाल किसी घटना की सूचना नहीं है। फिलहाल वन विभाग की टीमें इन आदमखोरों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक लोग दहशत की साए में जीने को मजबूर हैं। टीम न्यूज़ स्टेशन।